तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी चालान कटेगी। अरे साहब, वह डकैती के मामले से भागकर आ रहा हूँ ना, इसीलिए तेज गाड़ी चला रहा था। डकैती? तुम्हारे साथ किसने करने की कोशिश की? नहीं साहब, मैं डकैत हूँ, लूट का माल पीछे डिब्बे में पड़ा है। अरे क्या बकते हो, तुम्हारी गाड़ी चेक करनी पड़ेगी मुझे। सब डैशबोर्ड से दूर रहना, उसमें बिना लाइसेंस की बंदूक पड़ी है। यू आर अंडर अरेस्ट। अभी मैं कंट्रोल रूम में फोन करके पेट्रोलिंग टीम को बुला रहा हूँ, वो तुम्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। Let's go towards police station. सर अभी मैं एक चोर को गिरफ्तार करके आ रहा हूँ, उसका बयान लेना है आपके पास। परमिशन कार्ड दे। हमारे इंस्पेक्टर ने हमें बताया है कि तुमने एक लूट को अंजाम दिया है, लूट का सामान और बिना लाइसेंस की एक बंदूक तुम्हारे पास, पर कार की तलाशी में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? अगर मेरी कार की तलाशी में ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हो तो आप मुझ पे चोर का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? आपके इस इंस्पेक्टर ने मुझ पे गलत गलत आरोप लगाए हैं। फिर तो आपके इस झूठे इंस्पेक्टर ने मुझ पे गाड़ी तेज चलाने का भी आरोप लगाया ही होगा। ये बहुत चालाक आदमी है, चालान नहीं भरने के चक्कर में इसने मुझे ही चुना लगा दिया और चीफ इंस्पेक्टर के सामने मेरा बेइज्जती करवा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई से इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत में से भी बाहर निकल सकता है, और पुलिस के कैरेक्टर से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सबूत हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी की बात सुन के हम कोई भी चीज़ पर भरोसा कर ले तो वो हम पे उल्टी पड़ सकती है।